lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, आज से घुघुती और घुघुती का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और अब घुघुती जो तलने का वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। अभी तलना शुरू किया है और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, ऊपर की बाखरी में थोड़ा जाता हूँ। बुआ लोग कह रहे थे कि भैया हमने भी घुघुती बना दी हैं और पता नहीं अभी तल रहे हैं नहीं तल रहे हैं, मालूम नहीं है कुछ। फिर जाते हैं, जरा देखते हैं, अगर तल रहे होंगे तो ठीक है और नहीं तो फिर मुझे तो अभी तिपोला भी जाना है। ये देखो, अभी यहाँ कोई तैयारी नहीं है, अभी अभी आग जलाते हैं, वो करते हैं, कह रहे हाँ घुघुत बना दिए हैं। अच्छा, फटाफट करो फिर। और दोस्तों, तलबाके पन घुघुत जो है पाकड़ने बह गई, उनको तलन बह गई और ये पन आई हो घुघुत इन लाई वो के नहीं कर रही, धर रही है चुके। हाँ, अब इनको तलनू कणी आई हूँ, आग जलान लग रही आई। और दोस्तों, घुघुती का त्यौहार चल रहा है, घुघुती भुनना जो है तलना शुरू हो चुका है और बच्चे लोग लेकर के आ रहे हैं जाड़ों के लिए लकड़ियाँ, क्योंकि जाड़ों में ठंड बहुत होती है और हमारे पहाड़ों में, और उस पर ये रहता है कि रात देर देर तक का हम लोग बैठते हैं रात को। हमारा तो लगभग रोज ही जागरण हो जाता है पहाड़ों में, तो इसलिए लकड़ी जाड़ों में बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चे लेकर के आ रहे हैं लकड़ी और चाची जा रही है घर को और अब वो भूनेगी, घर में जा कर के तलेगी घुघुते। हाँ, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और ये हैं पहाड़ के शानदार गौशाले और लगे हुए हैं लूटे हमारे पशुओं के लिए, बाद में जब घास नहीं होती है उस वक्त के लिए। और मैं हूँ इस वक्त अपने गांव सिलोर महादेव कोटली में और ऊपर वहाँ है पटवारी चौकी और हमारा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी पाठशाला कोटली। दोस्तों, बुआ बैठी है वहाँ पर घुघुती तलने के लिए। बुआ ने अभी बहुत देर में तैयारी शुरू की है, बनाई भी देर में और तलने की तैयारी भी देर में है। और ये लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है और चूल्हा हमारा बना हुआ है बाहर से, सगड़ भी रखा हुआ है शाम को आग तापने के लिए अंदर। और ये जो है बुआ घुघुती तलने के लिए तैयार बैठी हुई है और घुघुती रखे हुए हैं टब में भी और परात में भी। और ये देखिए, घुघुती मैं नज़दीक में ले जा करके दिखाता हूँ आपको कैसी घुघुती लग रही है। ये घुघुती और घुघुतियों के लिए टैप तैयार है गो था वो। हाँ, फिर जो है तली जैन है ना घुघुत। तो दोस्तों, रख दी है पहली घाण घुघुती की तलने के लिए। और ये जो है अब तेल गरम है नहीं है, बुआ ने को भी फटाफट हो रही है और मुझे भी फटाफट अभी जाना है और काम भी करने हैं, तो ये शूट करने के लिए आया इधर और बुआ ने जो है उसमें तलने के लिए रख दिया है। अब देखेंगे इसका रिजल्ट कि तेल पूरा गरम है या नहीं है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर बैठ करके देखते हैं, अभी और भी जगह जाना है मुझे घुघुती तलते हुए घुघुती शूट करने के लिए और हर जगह का हम थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर भी जो है
चल रहा है प्रोग्राम, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी अगर आपको उतना नहीं भी लगे, जब आप इसको बचा करके रखते हैं बाद के लिए, तो फिर बाद में खाने में और आनंद आता है। हाँ वही तो। ओ हाँ, जरा कम वो, हाँ आँच कम हटते हैं जरा सा आपके, पता आप देखो तलो एक बार पे आप। हाँ तो दोस्तों देखो चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, आप देख रहे हैं जाड़ों में जब ये आग में भी थोड़ा सा आप ऐसे तलते हैं तो आपकी ठंड भी दूर होती है और काम भी हो जाता है। ये तली जा रही है शानदार घुघतियाँ, और हमारे जो दोस्तों पहाड़ों में जब हम घुघती बनाते थे बचपन में, तो हमारे इससे ऐसा मत कहो घुघटिया बात, इससे दूर होता है क्या? हाँ आग सेक करके होता होगा, पता नहीं क्या होता है। फिर ये चल रहा है बुआ का तलाई घुघती की है जी। हाँ ये बुआ तल रही घुघती, अभी टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा तय शूट करेंगे, ज़्यादा देर तक का शूट नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि फिर हमारी जो है वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है। हाँ पहाड़ के रंग में आप देखें तो दोस्तों, अब ये वीडियो देखने में लग रहे और वीडियो इन हम बनाने लग रहे, अब जब वीडियो बनाना जरूरत तब ये जरूर देखेंगे। हाँ अब दोस्तों हो गए हैं तैयार घुघती, और ये आ गए हैं तल करके परात में, और इनको लगे अब ये कहीं ज़्यादा फटाफट निकालने पड़ेंगे ये, नहीं तो फिर खतरनाक भी हो सकते हैं। हाँ जल रहे हैं, हो चलो तो ठीक है। तो बुआ हम तो चलते हैं और जगह, और जगह भी शूट करना है, फिर मुझे और आगे भी बढ़ना है, ठीक है? हो हाँ और फिर हाँ ठीक छो, फिर हाँ मैं चलता हूँ। ओके बाय 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 बाय। तो दोस्तों बुआ ने तल दी है फटाफट में, इंतजाम किया बुआ ने और आग भी जलाई फटाफट, तलना वगैरह शुरू किया, तो बुआ ने घुघती तल दी है, और नीचे चचा लोग भी तल रहे थे घुघती, तो देख लेते हैं कि चचा लोगों ने कितना काम कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका काम फिनिश हो गया हो, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। और अभी चल रहा है ये देखिए, यहाँ पर चचा तल रहे हैं, वहाँ पर एक पार्टी उधर तल रही है, और एक उधर भी शायद हो सकता है कोई तल रहा है या नहीं तल रहा है, पता नहीं है अभी। और इधर फिनिश हो गया है लगभग, फिर जब कल सुबह काले कौवा करेंगे उसके बाद हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना चाह के निपुन में। और दोस्तों यह घुघुद को चचा ने तल दिए हैं पूरे, और ये चचा की चाय भी चल रही है, और उधर काम भी चल रहा है, और घुघती, और ये कल सुबह काले कौवा काले घुघती माला खाले करके ये होगा कल सुबह को। तो दोस्तों पहाड़ के सुंदर घरों के आगे से तली जा रही हैं घुघतियाँ, और देखिए इधर जो है खजूर भी बना रखे हैं, और हम आपको दिखाते हैं खजूर और घुघती। ये देखो घुघतियाँ तल दिए हैं, और अभी और हैं, अभी खजूर तलना बाकी है, पर खजूर देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फी के टुकड़े हैं, और दिखने में भी शानदार स्वादिष्ट लग रहे हैं, और पकने के बाद कैसे होते हैं अब वो फिर हम बाद में देखेंगे टेस्ट करके। ये देखो बुड्ढे बाड्ढे लोग भी बैठे हैं घुघती के इंतजार में, अभी घुघती तली जाएगी और कौओं के लिए निकाल देंगे, फिर बुड्ढों को खिलाएंगे पहले। हाँ तो ये है देखो, हाँ और यहाँ से बैठ करके देखो ताई और आमा लोग यहाँ पर से बैठ करके बस देख रहे हैं, उधर घुघतियाँ तली जा रही हैं, वहाँ देखो यहाँ पर है, एक इधर तल रहे हैं, एक उधर तल रहे हैं, और एक उधर तल रहे हैं, सब अपने अपने घुघतियाँ तल रहे हैं। तो दोस्तों घुघती बन भी गई है, तो फिर देखते हैं जरा ट्राई भी लेते हैं, अभी एक ही चखूंगा, अभी तो मैं एक ही चेक करता हूँ, ये तो गर्म पता है रहा। दोस्तों गर्म बहुत है यार, मुंह जल जाएगा सीधा। कैसे
जाओ जाओ बढ़िया हो रहा है, सही हो रहा है, गर्म है लेकिन अब मीठा कम है तो बोले जान वाला मीठा कम लगता है। तो दोस्तों क्रंची है, स्वादिष्ट है और थोड़ा मीठा कम लग रहा है, लेकिन अभी ये कह रहे कि गर्मी में गर्म गर्म खा रहे हैं तो इसलिए कम लग रहा है, फिर बाद में फिर मीठा इसका और बढ़ जाएगा। वाह, फिर आगे जाते हैं, बुड्ढे बड़े भी चखते हैं। हाँ कैसे हो रहे, सही टेस्ट बताओ। बहुत बढ़िया है, बरबर बरबर है नहीं, बरबर अच्छा। और मिठो का सरा कमल है रही। हाँ, कि बादम जो है सही, बादम सही है, जाल बोल रहा है, गर्म गर्म छन तब कम है, फिर बाद में तो मीठ कम है, अब यूँ कणी की गर्म है तब कम है। हाँ मतलब कम है खाना। हाँ कम कमल तो उठाक वाले चेक कर दो हमें जरा सा। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, एक जो कि मैंने खा दी, वैसे चार घोटे दिए थे मुझे, मैंने एक ही खाया और अभी थैले में पैक कर लूँगा। और यहाँ चचा लोगों की घोटी भी चेक करते हैं। ये चचा लोग बैठे हैं, ये क्रंची लग रही है इसके, ये चचा लोग क्रंची नहीं लग रही मुझे। अच्छा गर्म है नहीं सब, तो ना ठीक है, एक जैसे ही लग रहे हैं, हाथ थोड़ा सा होगा सही। तो दोस्तों यहाँ की भी घूमते हमने चख ली है अभी, बढ़िया। और हर किसी का अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, तो यहाँ की घूमती थोड़ा अलग है, वहाँ की थोड़ा अलग है। और एक जगह और है, देखते हैं वहाँ की भी घूमती, वहाँ की घूमती खा करके भी देखते हैं कैसा होता है। ये ये और लोगों का अभी चल रहा है, ये सुबह अभी हो रही है। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी मैं नहीं निकालूंगा भाई, मैं तो खाली एक घुटकी चखने के लिए आया हूँ उनके। और ये देखो, और यहाँ भी क्रंची दिख रही है। ठीक है, मीठा थोड़ा कमी है, लेकिन सबने बढ़िया घोगती बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो दोस्तों सभी कह रहे हैं कि मीठा कम है करके, हमने पहले कहा था, एक लोग कहते कि गर्मी के कारण गर्म गर्म है तो इसलिए लग रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है मीठा कम लग रहा है। सुबह को भी देखेंगे, फिर और खाएंगे, हमारा नंबर और आएगा खाने का। और ये देखो कितना बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है दोस्तों पहाड़ों में, क्योंकि आप शहरों में होते हैं, अपने घर के अंदर सभी करते हैं, लेकिन पहाड़ों में जब आप बाहर से घूमते बनाते भी हैं, तलते भी हैं, तो सारे लोग मिलते हैं, एक अलग तरह का माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है। और ये है तो दोस्तों सुबह सुबह हम उठ नहीं पाए, काले कौवा काले घुगती माला खाले शूट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।